शिवर, आपके कमंडल से निकला कावेरी नदी का ये जल सदा क्षेत्र को हरित रखेगा और यहाँ सदा समृद्धि का विस्तार करेगा। स्पर्श से ये किस प्रकार के अशुभ का आभास हुआ मुझे? गणेश जी, ये किसी बड़े महासंकट की पूर्व सूचना है। महासंकट तो है, स्वयं जगत पिता महादेव की क्रोधाग्नि ही जगत के लिए संकट उत्पन्न करने वाली है। संसार अवश्य किसी भयंकर महासंकट का सामना करने वाला है गणेश जी। कैसा महासंकट ऋषिवर? कृपया मुझे बताइए ऋषिवर, कौन और क्या इस भावी संकट का कारण? महादेव, वो है आपकी क्रोधाग्नि। मेरी क्रोधाग्नि? क्या उसका कोई दुष्परिणाम होने वाला है? ब्रह्मदेव, महादेव की क्रोधाग्नि तो दुष्टों का संहार करती, तो उससे इतने चिंतित क्यों हैं आप? पिताजी की क्रोधाग्नि भला संसार का अहित कैसे कर सकती है? प्रत्येक क्रिया की कोई प्रतिक्रिया अवश्य होती है। महादेव की क्रोधाग्नि उत्पन्न हुई है तो उसका कोई ना कोई परिणाम तो अवश्य होगा। महादेव का क्रोध तो मेरी श्रेष्ठता के अहंकार के कारण हुआ था। एक अघोरी के लिए देवराज अपना मार्ग परिवर्तन कर ले, ये उचित नहीं है। देवराज जब अपने मार्ग पर अग्रसर होता है तो अन्य को अपने मार्ग से हटना पड़ता है। देवराज इंद्र को नहीं। कहीं इस महासंकट का संबंध उस घटना से तो नहीं? महादेव को मैं अपनी चिंता से अवगत कराने का प्रयास कब से कर रहा हूँ, किंतु ऋषि अगस्त के प्रसंग के कारण मुझे इसका अवसर ही प्राप्त नहीं हुआ। किंतु महादेव, मेरी आशंका यदि सत्य हुई तो उसके गंभीर परिणाम होंगे। विनाश, हाँ, मात्र विनाश ही होगा। ब्रह्मदेव, आप स्पष्ट कहिए, आपकी आशंका का कारण क्या है? आपकी क्रोधाग्नि महादेव, जिसका विस्फोट सागर में तो हुआ था, किंतु कदाचित आपकी क्रोधाग्नि अभी भी शांत नहीं हुई है। जल और अग्नि का संयोग तो प्रकृति के विरुद्ध है, इसीलिए मुझे शंका है महादेव कि आपकी क्रोधाग्नि के सागर में विध्वंस से किसी ऐसे अपराकृतिक अति शक्तिशाली अस्तित्व का जन्म हुआ है जो महासंकट बनकर हम सभी पर छा जाएगा। ऐसा क्या महासंकट हो सकता है जिसे त्रिदेव भी नहीं मिटा सकते?
पिताजी की क्रोधाग्नि से यदि कुछ उत्पन्न हुआ है तो वो अवश्य सर्वनाशी ही होगा। मेरे देवलोक पर पुनः संकट के मेघ मंडराते प्रतीत हो रहे हैं। यदि ब्रह्मदेव का कथन सत्य है तो महादेव ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। ये अज्ञात संकट जो भी है, शीघ्र उसका भेद जानकर हमें उसे रोकने का प्रयास करना चाहिए। सभी की चिंता दूर करने का एक ही उपाय है, मुझे ही अपनी अंतर्दृष्टि से ज्ञात करना होगा कि सागर के अतल जल में ऐसा क्या संकट छिपा है। संकट तो अवश्य उत्पन्न हो गया है, ब्रह्मदेव का चिंतित होना उचित है। नहीं, नहीं। क्या हुआ ऋषिवर, ऐसा क्या देखा आपने जिससे आप भी व्यग्र हो उठे? अत्यंत भयंकर है महादेव की क्रोधाग्नि का ये रूप, सागर के जल में जन्मा है। सर्वश्रेष्ठ जलंधर हूं मैं। जलंधर, जलंधर, जलंधर। जलंधर, मेरी शंका सत्य थी महादेव। किसे ज्ञात है आपकी क्रोधाग्नि का ये भीषण परिणाम सागर में उत्पन्न होकर वहां कैसा आतंक फैला रहा होगा? महादेव की क्रोधाग्नि के समक्ष तो कोई नहीं टिक सकता, तो फिर ये जलंधर कौन है जो इससे भी रक्षित रहकर जीवित रहा? आनंद आएगा मुझे भक्षक मीन का भक्षण करने में। सुरक्षित नहीं हो तुम, मैं सर्वश्रेष्ठ जलंधर पराजय स्वीकार नहीं करता। देखा, पकड़ लिया ना तुम्हें। मैं सर्वश्रेष्ठ जलंधर, मुझसे कोई बच नहीं सकता। चलो मेरे संकेत पर। व्यर्थ है तुम्हारा ये प्रयास भी, सर्वश्रेष्ठ जलंधर से बचकर कोई नहीं भाग सकता।
अद्भुत, अति मनोहर है ये दृश्य। कितने बलिष्ठ, कितने आकर्षक हैं ये। व्यर्थ आकर्षण का समय नहीं है मेरे पास। उन्होंने मुझे उचित प्रकार से देखा तक नहीं। उनके द्वारा अपना ये तिरस्कार स्वीकार नहीं है मुझे। ओम श्री विष्णुवे नमः। ओम श्री विष्णुवे नमः। मुस्कुराए क्यों नहीं? मेरे मुस्कुराने पर उन्होंने अपना मुख क्यों मोड़ लिया? जैसे उन्हें मुझसे घृणा हो। क्यों क्यों हुआ ऐसा मेरे साथ? क्या इसलिए क्योंकि मैं एक साधारण सी विष्णु भक्त हूं? अब इस जाप में मेरा मन ही नहीं लग रहा। व्यर्थ है ये तप, ये जाप जो मैं सदा से करती आई हूं, जिसे मैंने अपने पति रूप में चुना, उसे अपनी ओर आकर्षित भी ना कर सकी मैं, तो क्या लाभ है ऐसी विष्णु भक्ति का? नारायण, आप ना तो मेरी सहायता करना चाहते हैं और कदाचित ना ही कर सकते हैं, फिर क्यों मैं व्यर्थ में ये प्रार्थना कर रही हूं? अगर मुझे स्वयं ही सब कुछ करना है तो मेरा मार्ग ही उचित है। अब से मैं भक्ति के मार्ग को त्याग कर वही मार्ग अपनाऊंगी जिससे वो आकर्षित होकर मेरी ओर चले आएंगे। भोजन के बाद अब इसे अपना अस्त्र भी बनाऊंगा मैं। किसका मधुर लाप है ये जो मुझे अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास कर रहा है? Oh
ये प्रकाश, कदाचित वहीं से आ रहा है ये स्वर। अभी ऊपर जाकर देखता हूं। जो वहां तट पर खड़ी अपने मधुर आलाप से मुझे लुभा रही है, कदाचित सर्वश्रेष्ठ जलंधर का इससे भी भेंट करने का समय आ गया है। चिंतोसी के हैं तो यही होगी, क्रीड़ा कर रही है मेरे साथ। उसे ज्ञात नहीं, सर्वश्रेष्ठ जलंधर के साथ क्रीड़ा का तो एक ही परिणाम होता है। अरे अब कहां चली गई? लुकाछिपी, अभी इस लुकाछिपी की क्रीड़ा का अंत करता हूं। चित्र बात है, स्वर मुझे सुनाई दे रहा है किंतु मेरी दृष्टि से अदृश्य हो रही है स्वर की स्वामिनी। चाहे कुछ भी हो, उस तक तो पहुंच कर ही रहूंगा मैं। मैं सर्वश्रेष्ठ जलंधर तुम्हारे निकट आना चाहता हूं। रुक जाओ, समीप आने दो मुझे।
कौन हो तुम? वर्षों की तपस्या और उसका पुण्य नकारात्मक ऊर्जा के संपर्क में आते ही क्षण भर में नष्ट हो जाता है, इसलिए हमें नकारात्मक शक्ति से दूर रहना चाहिए। इतना क्यों सताया मुझे? कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूं मैं? कौन है ये मायावनी? मेरी प्रतीक्षा क्यों कर रही थी ये? मेरे पांव जड़ कैसे हो गए? ये कैसा मकड़ जाल है? कौन है ये मायावनी? देखा, तुम्हें अपने जाल में फंसा लिया ना मैंने। संपूर्ण शक्ति लगाकर भी इससे मुक्त नहीं हो पा रहा हूं मैं। कौन हो तुम? क्या चाहती हो मुझसे? इस प्रश्न का विचार तो तुम्हें मेरा पीछा करने से पूर्व करना चाहिए था। लक्षण है ये, कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं बांध सकता इन्हें। सर्वश्रेष्ठ जलंधर हूं मैं, मेरा पल ही मेरा परिचय है, मेरे साथ क्रीड़ा, इसका परिणाम भयंकर ही होगा। भयंकर परिणाम? उसमें तो मुझे अपार आनंद आएगा। मैं ही करती हूं इस क्रीड़ा का आरंभ। Ha 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 ha.
बहनी, तुम मेरा स्पर्श भी नहीं कर पाओगी। सर्वश्रेष्ठ जलंधर हूं मैं। सर्वश्रेष्ठ जलंधर को अपनी माया से बांधने चली थी तुम। रुक जाओ, अभी इस क्रीड़ा का अंत नहीं हुआ है। तुम मेरे मोहपाश से बचकर कहीं नहीं जा सकते, सर्वश्रेष्ठ जलंधर। रुक जाओ जलंधर, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। सर्वश्रेष्ठ चलंदर को रोक पाना। ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है मुझे, जैसे मैं इस राक्षसी से परिचित हूं। जो भी है विचित्र है, ये मायावनी है, अद्भुत है इसकी शक्ति। मुझे वश में करना चाहती हो ना तुम, तो आओ प्रयत्न करके देख लो। आ रही हूं मैं। क्या हुआ, नहीं पकड़ पा रही हो ना मुझे? असाधारण हूं, सर्वश्रेष्ठ हूं, जलंधर हूं मैं। इसकी कलाई की कंगन की चमक मुझे कुछ स्मरण करा रही है। कौन कौन थी वो बालिका? क्या हुआ, मुझसे अपनी रक्षा नहीं कर सके ना तुम? लो, कर लिया मैंने तुम्हें अपने वश में। अब हुआ हमारी इस क्रीड़ा का अंत। रुको, ये कंगन तो मैंने पूर्व में भी कहीं देखा है। ये कंगन तो उस युवती का है जिसने मेरी रक्षा की थी। ये कंगन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? क्या तुमने इस युवती का वध कर उसको अपना आहार बना लिया है? बोलो, मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। बोलो, क्या किया तुमने उसके साथ? शांत क्यों, मेरे प्रश्नों का उत्तर दो।
जिस युवती को लेकर तुम इतने प्रश्न कर रहे हो वो युवती मैं ही हूँ। आश्चर्य, यही है वो युवती। अद्भुत है इसका सौंदर्य। किंतु जब मैंने तुम्हें देखा था तब तो तुम साधारण सी युवती थी। तब तुमने ये रूप कैसे धारण किया? इतना परिवर्तन क्यों और कैसे? तुम्हारे लिए ये सब मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए किया है जलंधर। मेरे लिए? अर्थात? अपनी बाल्यावस्था से ही मैं सदा विष्णुदेव की भक्ति में लीन रहती थी। फिर एक दिवस मेरी दृष्टि तुम पर पड़ी और उस दिवस से मैं नारायण की भक्ति को छोड़कर तुम्हारी भक्त हो गई। उचित है, करनी भी चाहिए तुम्हें मेरी भक्ति। सर्वश्रेष्ठ जो हूं मैं, जलंधर सर्वश्रेष्ठ। किंतु तुम्हारे पास तो मेरे लिए समय ही नहीं था। मैं तुम्हारी एक झलक के लिए ललायत रहती थी और तुमने मुझे देखकर भी अनदेखा कर दिया। कदाचित उस रूप में मैं तुम्हारे योग्य ना थी, इसीलिए उस दिवस मैंने निर्णय लिया कि यदि तुम्हें पाना मेरे जीवन का ध्येय है तो मुझे तुम्हारे योग्य तुम्हारे जैसा बनना होगा। इसीलिए मैंने नारायण की भक्ति का त्याग किया और ये रूप धारण किया। जलंधर, जलंधर, मैं नारायण की भक्ति नहीं, मैं तो केवल तुम्हें पाना चाहती हूं। मैं वृंदा हूं और मुझे ये वरदान प्राप्त है कि मेरे जीवित रहते मेरे पति की मृत्यु कभी नहीं हो सकती। अर्थात मेरे जीवित रहते तुम्हारी मृत्यु कभी नहीं हो सकती जलंधर। और तुम तो इतने बलशाली हो कि मेरी मृत्यु कभी होने ही नहीं दोगे। सोचो, हम दोनों साथ मिलकर समस्त संसार पर अनंत काल तक राज करेंगे। राज करेंगे। उचित है। तब तो हमें शीघ्र विवाह कर लेना चाहिए। सर्वश्रेष्ठ कपट बुद्धि की स्वामिनी का विवाह तो सर्वश्रेष्ठ जलंधर से होना ही उचित है। अभी तक तो केवल जालंधर ही एकमात्र चुनौती था। अब उसके साथ एक और कपटी कुटिल शक्ति भी जुड़ गई है।
हमारे विवाह से आनंदित हैं, उसका उत्सव मना रहे हैं। अंततः जिससे मैंने प्रेम किया, जिसको पाने की लालसा रखी, अब पूर्ण रूप से उसका साथ पा ही लिया मैंने। कोई वध नहीं कर सकता वृंदा के पति का, अर्थात सर्वश्रेष्ठ जलंधर अब अमर हुआ। स्वामी, क्या विचार कर रहे हैं आप? जब मैं सागर के भीतर था, तभी मुझे आभास हो गया था कि महानता की चरम शिखर पर पहुंचना मेरी नियति है। किंतु इसके लिए मुझे क्या करना है, यह मुझे ज्ञात नहीं। स्वामी, मुझे भी इस बात का आभास हुआ था कि आप ही इस संसार के अधिपति बनने के योग्य हैं। पाताल लोक, देवलोक, सब पर आपका अधिकार ही आपकी नियति है। लेकिन स्वामी, उसके लिए हमें शुक्राचार्य के पास जाना होगा। शुक्राचार्य? हाँ स्वामी, असुर गुरु है शुक्राचार्य, वही हमें संसार पर विजय प्राप्ति का मार्ग सुझाएंगे। गुरु शुक्राचार्य के मार्गदर्शन में स्वामी अवश्य सर्वोच्च पद पर स्थापित होंगे। सर्वश्रेष्ठ जलंधर अब महानतम जलंधर भी होगा। गणेश जी, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? ऋषिवर, आपने मुझे इस संकट से अवगत कराया, यही पर्याप्त सहायता है मेरे लिए। अब मुझे यथाशीघ्र कैलाश लौटकर पिताश्री के साथ इस पर विचार विमर्श करना चाहिए। उचित है गणेश जी, महादेव ही इस भयंकर संकट का हल सुलझा सकते हैं। आप शीघ्र प्रस्थान कीजिए, मैं यही लोपा मुद्रा का स्मरण करते हुए ध्यान मग्न होता हूं। देखिए ऋषिवर, माँ लोपा मुद्रा नदी रूप में भी पुष्पों से आपका अभिवादन कर रही है। गणेश जी, लोपा मुद्रा का त्याग तो अद्भुत था। मेरे लिए उसने राजभवन के सारे सुख त्याग दिए और आज इस रूप में भी मेरे प्रति समर्पित है, तो मैं उसका त्याग कर और कहीं कैसे जा सकता हूँ? ऋषिवर, आपका और माँ लोपा मुद्रा का प्रेम तो अमर है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, समय आने पर माँ लोपा मुद्रा सदैव प्राप्त होंगी। आप प्रतीक्षा कीजिए ऋषिवर, निकट भविष्य में जगत जननी के सर्वोच्च रूप माँ ललिता देवी का आविर्भाव होगा, तब आपको उनके दर्शन का लाभ होगा और उनसे ही आपको उनकी कथा और उनके सहस्त्र नामों का ज्ञान भी प्राप्त होगा। आपके माध्यम से माँ ललिता के सहस्त्र नाम उजागर होंगे और माँ लोपा मुद्रा से पूर्वजों के उद्धार हेतु आपको संतान की प्राप्ति भी होगी। धन्यवाद गणेश जी, आपके आशीर्वाद से मैं कृतार्थ हो गया। पिताजी, जलंधर को लेकर ब्रह्मदेव की चिंता हमारी चिंता भी तो है। स्वामी, अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकते आप। इस संकट का निवारण शीघ्र ही करना होगा। आप अंत का सुर के कारण जो महक संकट उत्पन्न हुआ, उसका स्मरण है मुझे।
इसीलिए अब क्षणिक विचार का समय भी नहीं है आपके पास। जलंधर महासंकट का रूप ले ले, उसके पहले उसका अंत कर दीजिए स्वामी। मेरी क्रोधाग्नि से अवश्य उत्पन्न हुआ है जलंधर। महासंकट भी बन सकता है, किंतु जिस प्रकार महिषासुर के पाप का घड़ा भरने के बाद उसका अंत किया था आपने, तो फिर मेरा अभी जलंधर का वध करना कहां उचित होगा? मैं ऐसा नहीं कर सकता महेश्वरी। देने से पूर्व भगवान सभी को समान रूप से अवसर देते हैं। ये व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो धर्म का मार्ग चुनता है या अधर्म का। मेरा जलंधर का वध करना कहां उचित होगा? मैं ऐसा नहीं कर सकता महेश्वरी। नहीं पिताश्री। जिसका जन्म ही संकटमयी है, उसे बढ़ने देना कदापि उचित नहीं। सर्वथा उचित है माँ का सुझाव। कृपया आप जलंधर का वध कर संसार को इस भावी संकट से मुक्त कराइए। आप सभी को मेरा प्रणाम। पिताश्री, ऋषिवर अगस्त्य ने मुझे बताया कि जलंधर अब अकेला नहीं, एक और कुटिल कपटी शक्ति जुड़ गई है उसके साथ। हाँ पिताश्री, जलंधर से उत्पन्न संकट और भी विकराल रूप धारण कर रहा है, फिर भी आप उसका अंत क्यों नहीं करना चाहते पिताश्री? अब आपने विलंब किया तो संसार का अनिष्ट हो सकता है स्वामी। पिताजी, इस संकट को तो आप यही रोक सकते हैं। यह अन्याय होगा। जब तक जलंधर सृष्टि के प्रति कोई बड़ा अपराध नहीं करता, मैं उसे कैसे दंडित कर सकता हूं? मानव, दानव, देव, गंधर्व, राक्षस, यक्ष, किन्नर, सभी प्राणियों को जीवित रहने का अधिकार है। बात मात्र अच्छाई और बुराई की नहीं। जलंधर का वध मात्र इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि उसका जन्म एक विशेष परिस्थिति में प्रकृति के विरुद्ध जाकर हुआ है। मैं सबको पर्याप्त अवसर देता हूं कि वो सत्य के मार्ग पर चले, किंतु अपने अवसर का दुरुपयोग करने वाले, निरंतर पाप करने वाले अतः स्वयं का ही अंत करते हैं। किंतु यदि उसने इस अवसर का उचित लाभ उठाया तो मुझे जगत पिता होने के नाते उसे सन्मार्ग पर चलने का अवसर तो देना ही होगा। यद्यपि उसकी नियति विनाशकारी है, किंतु यदि उसने अपनी इच्छा शक्ति से नियति को परिवर्तित कर धर्म और भक्ति का मार्ग चुना तो हमें प्रतीक्षा करनी होगी, क्योंकि किसी के भावी पापों की आशंका से उसे दंडित नहीं किया जा सकता। इसलिए मैं अभी किसी का अंत कदापि नहीं कर सकता। किसी के साथ अन्याय कदापि नहीं करूंगा, चाहे वो जलंधरी क्यों ना हो। पिताश्री निर्णय ले चुके हैं तो आप प्रतीक्षा करने के सिवाय और कोई उपाय नहीं। कहीं महादेव के इस धर्मोचित व्यवहार के कारण
कोई बड़ा संकट ना उत्पन्न हो जाए। प्रथम पूज्य गणेश जी, मैं आपका कृतज्ञ हूं। आपने दक्षिण को अकाल मुक्त किया और ऋषिवर के कमंडल से कावेरी नदी को मुक्त कर आपने दक्षिण वासियों के साथ साथ हम पर भी बहुत बड़ा उपकार किया है। हम आपके आभारी हैं। इसमें उपकार कैसा देवराज, वो तो मेरा परम कर्तव्य था। मुझे प्रसन्नता तो इस बात की है कि अंततः ऋषि अगस्त्य ने भी अपना मोह त्याग कर जन कल्याण में धर्म का साथ दिया। किंतु गणेश जी, मेरा कर्तव्य मुझे स्वर्ग लोक बुला रहा है। आप सभी से अनुरोध, आप मुझे यहाँ से प्रस्थान करने की अनुमति दें। प्रणाम। देवी पार्वती, अब हमें भी आज्ञा दें। पुत्र गणेश, आने वाले संकट के प्रति जागरूक रहकर उसके प्रति सभी को सावधान करना हमारा कर्तव्य था, जिसका निर्वाह हम कर चुके हैं। किंतु महादेव ने कहा है हमारा प्रतीक्षा करना ही उचित होगा, वही हमें करना है। कदाचित जलंधर कुमार्ग छोड़कर सन्मार्ग का ही चुनाव करें। उचित है फूफा जी, चाहता तो मैं भी हूँ कि ऐसा ही हो, किंतु यदि ऐसा नहीं हुआ तो मुझे एक बार पुनः पिताश्री से बात करनी चाहिए। प्रणाम फूफा जी। प्रणाम मामा जी। उचित कहते हैं पिताश्री, भविष्य में कौन कैसा व्यवहार करेगा कौन जानता है, किंतु दुष्ट की दुष्टता के प्रति सचेत रहना भी तो हमारा कर्तव्य है। उसमें असावधानी हमारे लिए हानिकारक हो सकती है। मेरे प्रिय बलश्रेष्ठ, असुर गुरु शुक्राचार्य हमें इसी पर्वत पर मिलेंगे। किंतु ये कठिन चढ़ाई पार कर हम उस शिखर तक पहुंचेंगे कैसे? सर्वश्रेष्ठ जलंधर है तुम्हारे साथ, फिर भी चिंता कर रही हूं। कठिन को सरल बनाना आता है मुझे। चलो वृंदा, चिंता त्यागो और मेरी पृष्ठ पर आरूढ़ हो जाओ। सर्वश्रेष्ठ जलंधर ले जाएगा तुम्हें इस पर्वत के शिखर पर। उचित है मेरे प्रिय बलश्रेष्ठ। जो सर्वश्रेष्ठ जलंधर के मार्ग में आएगा, वो कितनी भी ऊंचाई पर स्थित क्यों ना हो, मेरे समक्ष झुकने पर विवश हो जाएगा। सागर की अतल गहराई को नाप चुका हूं मैं, अब इस पर्वत की गगन चूमी ऊंचाई की बारी है। नहीं!
मुझे पूर्ण विश्वास है मेरे प्रिय बल श्रेष्ठ पर, कुछ नहीं होने देंगे मुझे। तुझ पर्वत कोई नहीं गिरा सकता सर्वश्रेष्ठ जलंधर को। ऐसी कोई बाधा नहीं जो सर्वश्रेष्ठ जलंधर को रोक सके। इस तुच्छ पर्वत का इतना दुस्साहस जो मेरे पथ में बाधा बने। मुझे चकड़े रहना वृंदा। अवश्य मेरे बलश्रेष्ठ। मेरे प्रिय बलश्रेष्ठ, मेरा भार वाहन कर आप अपनी कठिनाई क्यों बढ़ा रहे हैं? मैं आपका अनुसरण कर आपके पीछे पीछे आ जाऊंगी। नहीं वृंदा, मेरी पत्नी हो तुम। तुमने मुझे उस असुर गुरु शुक्राचार्य के पास जाकर उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करने का सुझाव देकर मेरे प्रति अपना कर्तव्य निभाया है, तो अब मैं तुम्हारे प्रति अपना कर्तव्य निभाऊंगा। इस पर्वत के शिखर पर मैं ही लेके जाऊंगा तुम्हें। श्रेष्ठ पर वो हमें घिरने नहीं देंगे। सर्वश्रेष्ठ जलंधर हूं मैं, जो चाहता हूं वो करके दिखाता हूं। प्रणाम पिताश्री। मुझे क्षमा करें पिताश्री, मैं आपसे वाद विवाद करने की दृष्टि तक कदापि नहीं कर सकता। आपकी मान्यता है कि अवसर तो सबको प्राप्त होना चाहिए, वो तो ज्ञात है मुझे पिताश्री। और ये भी ज्ञात है कि अभी तक जलंधर ने किसी को हानि भी नहीं पहुंचाई है, किंतु जब से आपकी क्रोधाग्नि सागर में गिरी है तभी से फूफा जी ब्रह्मदेव को संकट का पूर्वाभास हो रहा है। ऋषिवर अगस्त्य को भी भावी अनिष्ट का भान हुआ है पिताश्री, तो क्या इसके पश्चात भी हमें सावधान नहीं रहना चाहिए? सावधान रहना उचित होगा गणेश, किंतु पूर्वाभास के आधार पर किसी को दंडित करना योजित नहीं। पिताश्री, मैं आपसे पूर्ण रूप से सहमत हूँ कि दंड का अधिकारी तो अपराधी ही होता है, किंतु जलंधर की आसुरी प्रवृत्ति भी हमसे छिपी नहीं, जिसका अर्थ है उसका झुकाव अवश्य अधर्म की ओर ही होगा। और वो जब कोई ऐसा अपराध करेगा तो उसे इसका दंड अवश्य मिलेगा, किंतु अभी हमारा प्रतीक्षा करना ही उचित है। गणेश, विपदा जब अपना शीश उठाएगी हमें उसको मिटाने का उपाय भी अवश्य प्राप्त होगा। पिताश्री, नियति की अपार शक्ति को तो महानतम ऋषि और तपस्वी भी नहीं नकार पाते,
फिर जलंधर तो एक असुर मात्र है। आप कहते हैं कि विपदा आएगी तब उसका समाधान ढूंढेंगे हम, किंतु पिताश्री मुझे आभास हो रहा है कि विपदा तो हमारे समक्ष आकर ही रहेगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वृंदा, कहाँ है तुम्हारे असुर गुरु शुक्राचार्य? ओम नमः शिवाय। बलश्रेष्ठ, असुर गुरु शुक्राचार्य, ओम नमः शिवाय। असुर गुरु वहां ध्यान मग्न है। ओम नमः शिवाय। ये व्यर्थ के ध्यान में अपना समय गंवा रहे हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। असुर गुरु शुक्राचार्य, असुर गुरु शुक्राचार्य, असुर गुरु शुक्राचार्य। आराध्य महादेव, आप स्वयं यहां, मैं धन्य हो गया प्रभु, धन्य हो गया। बड़ा छलावा, वो भी मेरे असुर गुरु शुक्राचार्य के साथ महादेव का रूप धारण करिए। जो भी है ये, मेरे साथ इसका ये प्रयास उचित नहीं। तो आप ही हैं वो असुर गुरु शुक्राचार्य जिनकी महिमा का गुणगान करते मेरी पत्नी की जीवा नहीं थकती। असुर गुरु, मैं वृंदा हूं और ये मेरे प्रिय बलश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ जलंधर। हम आपके पास यहां मार्गदर्शन के लिए आए हैं। अवश्य लेंगे मार्गदर्शन, किंतु सर्वप्रथम मुझे ये बताइए
कि असुर गुरु आपने मुझे महादेव कह के संबोधित क्यों किया? कहिए, क्या मैं महादेव के समान दिखाई देता हूं? यदि इसके मुख पर इन चिन्हों का विकार न होता तो कोई इसमें और महादेव में भेद ही नहीं कर पाता, कदाचित मैं भी नहीं। कौन है ये पाखंडी? मुझे महादेव पुकारा इन्होंने मेरे समक्ष, हाथ जोड़कर नतमस्तक थे असुर गुरु, और अभी भी मुझे देखकर स्तंभ खड़े हैं। क्या इसका कारण? समझा। उत्तम, अति उत्तम। वृंदा, उचित कहा था तुमने। असुर गुरु शुक्राचार्य हमें संसार पर विजय प्राप्त करने का मार्ग दिखाएंगे। हाँ मेरे प्रिय बलश्रेष्ठ, किंतु असुर गुरु ने तो अभी तक हमसे कुछ कहा भी नहीं। तो जितना वो कह चुके पर्याप्त है मेरे लिए। समस्त संसार पर विजय प्राप्त करने का मार्ग ज्ञात करने आया था आपके पास, सर्वश्रेष्ठ जलंधर, किंतु वो तो मुझे स्वयं ही सूझ गया। आपने मुझे महादेव पुकार कर उपाय सिझा दिया। नवीन शिव बनकर संसार के समक्ष आऊंगा, नवीन भगवान बनूंगा, और भगवान स्थापित होते ही संभवतः संपूर्ण संसार मेरे अधीन हो जाएगा। नवीन भगवान होंगे मेरे प्रिय बल श्रेष्ठ। हाँ, उचित ही तो है, बलशाली है, बुद्धिमान है, साहसी है, सर्वश्रेष्ठ है, तो भगवान होने के सर्वथा योग्य है ये। विनाशकाली विपरीत बुद्धि बल के अहंकार में आकर स्वयं को भगवान तुल्य समझने वाला गर्त की ओर जाता है। ये कैसे संभव है? महादेव का प्रतिरूप प्रतीत होने वाला कौन है ये दंभी दुस्साहसी जलंधर? महादेव की क्रोधांगनी से उत्पन्न हुआ है ये। भगवान बनोगे तुम? भगवान बनना बालकों की क्रीड़ा नहीं जलंधर। तुम्हें क्या लगता है, अगर तुम स्वयं को भगवान घोषित कर दोगे तो सभी तुम्हें भगवान मान लेंगे? मानेंगे, अवश्य मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे। सर्वश्रेष्ठ मैं अपनी अपार शक्ति से किसी को भी पराजित कर सकता हूँ। दिखने में महादेव के समान हूँ। जब आप स्वयं असुर गुरु शुक्राचार्य मुझे देखकर भ्रमित हो गए, मेरे समक्ष नतमस्तक हो गए, तो देवता हो या दानव, उन्हें मेरा अनुयायी बनने में कोई कठिनाई नहीं होगी। भूल है तुम्हारी, तुमने नहीं, तुम्हारे रूप ने भ्रमित किया था मुझे जलंधर। किंतु मेरा भ्रम टूट गया है जलंधर, तुम्हारा सत्य जान गया हूं मैं जलंधर। जब असुर गुरु को ही तुम पर कोई आस्था नहीं, कोई विश्वास नहीं, तो दूसरे असुर तुम पर क्यों विश्वास करेंगे? क्यों मानेंगे तुम्हें भगवान? क्यों मानेंगे तुम्हें भगवान? क्यों मानेंगे तुम्हें भगवान? तो आप ही बताएं असुर गुरु, मेरे प्रति आपकी आस्था
मुझ में आपका विश्वास जागृत करने के लिए मुझे क्या करना होगा? भगवान बनने की इच्छा रखते हो तुम तो मेरी चुनौती स्वीकार कर अपनी परीक्षा दो। इन दो गुफाओं को पार करके दिखाओ, फिर आना मेरे पास। सर्वश्रेष्ठ जलंधर हूं मैं, किसी परीक्षा से पीछे नहीं हटूंगा, स्वयं को भगवान बनने योग्य प्रमाणित करके ही लौटूंगा। मेरे बल श्रेष्ठ, सावधान रहिएगा, मुझे आपकी बहुत चिंता हो रही है, कहीं वहां कोई संकट ना हो। वृंदा, चिंता भीरू करते हैं, तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हें चिंता शोभा नहीं देता, और जब तक तुम जीवित हो कोई भी संकट मुझे क्षति नहीं पहुंचा सकता, इसलिए यही मेरी प्रतीक्षा करना। मैं बस अभी गया और अभी आया। छाया है, जलंधर, भ्रम जब भंग होता है तो वो सत्य उजागर होता है, वो सत्य जो कभी कभी भयानक रूप लेकर हमारी परीक्षा ले सकता है। क्या अपने सत्य को स्वीकार करने की क्षमता है तुम में? गुफा पार करने से कैसे प्रमाणित होगा कि मैं भगवान बनने योग्य हूं? ये प्रकाश अवश्य यहां से बाहर निकलने का मार्ग इंगित कर रहा है। इस अंधकार में कंगन की खनखनाहट कोई और भी है यहां। ये कंगन की ध्वनि मेरे इतने निकट,
कौन हो तुम और इस गुफा में क्या कर रही हो? वृंदा, तुम यहां कैसे आई? जैसे आप यहां आए मेरे बलश्रेष्ठ। तुम भिन्न क्यों प्रतीत हो रही हो? तुम कुशल तो हो ना वृंदा? मेरे प्रिय बलश्रेष्ठ, मैं कुशल से हूं, किंतु आपका यूं गुफा के भीतर निपट एकांत होना मुझे बहुत सता रहा था, इसलिए मैं यहां चली आई। वृंदा, मैंने तुमसे कहा था कोई भी संकट मुझ पे नहीं छा सकता। एक तो ये मेरी समझ से परे हैं तुम्हारे असुर गुरु, मुझे इस गुफा में भेजकर कैसी परीक्षा ले रहे हैं, और ऊपर से तुम भी यहां आ गई। किंतु जो भी है, मैंने यहां से बाहर निकलने का मार्ग ढूंढ लिया है। चलो। यहां से बाहर निकलने की बड़ी शीघ्रता है आपको। आपने इस गुफा से बाहर निकलने का मार्ग अवश्य ढूंढ लिया होगा, किंतु जो मैंने ढूंढा है वो इससे भी कहीं ज्यादा उत्तम है। आइए ना। ऐसा क्या ढूंढ लिया इसने? वृंदा, तुम मुझे कहां ले आई? ये तो बड़ा विचित्र दृश्य है, किंतु इसकी क्या आवश्यकता थी? मेरा इस प्रकार से आपको चकित करना भार आए ना प्रिय बलश्रेष्ठ। वृंदा, असुर गुरु ने मुझे मेरी परीक्षा लेने के लिए मुझे यहां भेजा था। मेरा उद्देश्य था इस गुफा से निकलना, जिसका मार्ग मैं ढूंढ चुका था, तो फिर इस समय मुझे इस गुफा से बाहर होना चाहिए था। बलश्रेष्ठ, विवाह संपन्न होते ही मैं आपको यहाँ असुर गुरु के पास लेकर चली आई। एकांत में पल बिताने का समय कहाँ प्राप्त हुआ हमें, और अब जब आपके साथ समय व्यतीत करने के लिए आपके पीछे पीछे इस गुफा में चली आई, तो आप इस निपट एकांत में मेरे साथ कुछ समय भी नहीं बिताना चाहते? उचित है वृंदा, कदाचित कुछ समय बिताने में यहां कोई हानि नहीं होगी। संकटों जो तुम्हें ली जाएगा।
सर्वश्रेष्ठ जलंधर हूं मैं। मुझ पर वार तुम्हारे संहार का कारण बनेगा। सर्वश्रेष्ठ जलंधर हूं मैं। मैं गुफा से बाहर कैसे आया? तुम यहां कैसे आई और गुफा के भीतर अजगर बनकर क्या करने का प्रयास कर रही थी तुम? गुफा के भीतर अजगर रूप में, किंतु मेरे बल श्रेष्ठ में इस संपूर्ण अंतराल में मैं यही थी। यदि ये यहीं थी तो गुफा के भीतर वो कौन थी जिसने अजगर रूप धरकर मेरा अंत करने का प्रयास किया था? ये क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहो जलंधर, गुफा में क्या देखा तुमने? मैंने देखा कि तुमने देखा एक मार्ग वहां से बाहर निकलने का, फिर तुमने देखी एक सुंदरी जिसने तुम्हें मोहित किया। और तुम्हें भ्रमित कर तुम्हारे मार्ग से तुम्हें भटका दिया और तुम्हारा वध करने का प्रयत्न किया। असुर गुरु वहां नहीं थे तो उन्हें कैसे क्या थे कि वहां क्या घटा था? तो क्या सब इन्हीं का किया धरा था? तो ये भ्रम आपने ही उत्पन्न किया था। मेरी पत्नी की प्रेरणा से मैं आपसे मार्गदर्शन प्राप्त करने आया और आपने उसके द्वारा ही मेरे पद का भ्रम रच डाला। क्यों किया ऐसा आपने, बोलिए। असुर गुरु शुक्राचार्य, हम आपके पास यहाँ मार्गदर्शन के लिए आए थे, किंतु आपने हमारे साथ इतना द्वेषपूर्ण व्यवहार किया जिसके दंड स्वरूप मुझे मेरे प्रिय बल श्रेष्ठ को आपका वध करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। जलंधर, मैंने ही वो भ्रम उत्पन्न किया था जो तुम्हारा कटु सत्य है। भविष्य में तुम्हारी पत्नी ही तुम्हारे लिए मारक संकट बनेगी। कदाचित अपराजय बनने का सामर्थ्य है तुम्हें, किंतु अनुचित व्यक्ति के साथ का चुनाव तुम्हारे पतन का कारण बन सकता है। एक स्त्री ही तुम्हारे पतन का कारण बनेगी। और तुम स्वयं देख चुके हो वो स्त्री कौन है। हाँ,
मेरा चुनाव अनुचित नहीं, सर्वथा अनुचित आप पे कथन है, क्योंकि जब तक मेरी पत्नी जीवित है मैं अमर हूँ, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। अमर सर्वश्रेष्ठ। मैंने कोई प्रयास किया गुरुदेव जो आप इस प्रकार हंस रहे हैं? मेरी पत्नी मेरे विनाश का कारण नहीं बन सकती, अभी तो जब तक वो जीवित है कोई भी हानि मुझे स्पर्श नहीं कर सकती। कैसे गुरु हैं आप जो मुझे मेरी पत्नी को छोड़ने का सुझाव दे रहे हैं? मैं ऐसा करा भी नहीं करूंगा, करा भी नहीं। चलो वृंदा, इस वृद्ध कपटी असुर गुरु का अनुचित मार्गदर्शन नहीं चाहिए मुझे, चलो। जलंधर, इतनी कठिनाई उठाकर मेरे पास आए हो तो दूसरी गुफा के भीतर भी जाके देख लो। और किसकी प्रतिछाया है? का कर्तव्य है मार्गदर्शन देना और व्यक्ति को सत्य से परिचित कराना, किंतु ये व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो गुरु का कितना अनुसरण करता है। निर्णय ले ही चुके हो तो विलंब क्यों जलंधर? जाओ दूसरी गुफा में प्रवेश करो। इसमें प्रवेश करना है मुझे। कैसी परीक्षा ले रहे हैं शुक्राचार्य? इतने परिश्रम के पश्चात किससे भेंट होने वाली है ज्ञात नहीं। आ,
यदि यहां भी असुर गुरु ने किसी ब्रह्म जाल का कूट चक्र रचा हो, सावधान रह के आगे बढ़ना होगा मुझे। यह सौर किसकी प्रतीक्षाया है? कैसा भ्रम उत्पन्न किया है सदगुरु ने? कर मुझे भ्रमित करने का प्रयास किया है इस बार। सर्वश्रेष्ठ जलंधर हूं मैं, संपूर्ण संसार में मेरे जैसा एकमात्र मैं ही हूं। सुना तुम्हें, एकमात्र मैं। मेरे समान होने का ढोंग करने वाले तुम जो भी हो, हट जाओ मेरे मार्ग से। मैंने कहा हटो मेरे मार्ग से। जो भी है अत्यंत भव्य है, इसका रूप दिव्यता से परिपूर्ण है। अवश्य भ्रम है ये मेरा। इस बार मैं किसी भ्रम में नहीं फंसूंगा। उस दुष्ट असुर गुरु ने मुझे कोई पाठ सिखाने के लिए रचा है इसे। हट जाओ मेरे मार्ग से। तुम सत्य हो, भ्रम नहीं, ये तुमने कैसे जाना? तुम्हारे साथ शब्दों की क्रीड़ा का समय नहीं है मेरे पास। हट जाओ मेरे मार्ग से। हट जाओ। हट जाओ। नहीं हटोगे तो वक्त तो उसका परिणाम। मेरे समान बनने का प्रयास करने वाले को जीवित नहीं छोड़ूंगा मैं। हा, हा, हा।
अब कहो, क्या तुम्हें अब भी कोई भ्रम प्रतीत होता है? भ्रम हो या सत्य, तुम जो भी हो, तुम्हें तुम्हारी उद्दंडता का दंड अवश्य मिलेगा। चलंदर हूं मैं, शक्तिशाली हूं मैं, भगवान हूं मैं, मेरे विरुद्ध जो भी खड़ा होगा उसका अंत करूंगा मैं। ये क्या हो रहा है? इसने मुझे निशस्त्र कैसे कर दिया? इतना विशाल काय कैसे हो गया ये? मैं अपराजय हूं मैं, फिर इसकी शक्ति का सामना क्यों नहीं कर पा रहा हूं मैं? ये त्रिशूल से क्या करना चाहता है? मैं तुम्हारे समान नहीं, तुम मेरे समान होने का ढोंग कर रहे हो, इसलिए तुम्हें जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। इस बार गुफा में क्या देखा तुमने? मैं देखा कि मेरे समान एक योद्धा ने मेरा वध कर दिया, किंतु जब तक मेरी पत्नी जीवित है कोई मेरा वध कैसे कर सकता है? तुम्हें उस गुफा में जिनके दर्शन हुए जलंधर, जिनको अपने किसी भी वार से लेश मात्र भी हानि नहीं पहुंचा सके, सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम, सर्वशक्तिशाली, सर्वोच्च, काल के काल, महाकाल, स्वयं महाकाल है, स्वयं महाकाल है, स्वयं महाकाल है। जो तुम्हारे रूप से भ्रमित होकर
तुम्हें समझने की भूल कर बैठा था मैं। महादेव अर्थात शिव। महादेव का परम भक्त हूं मैं, किंतु तुम्हारा गुरु होने के नाते तुम्हें उचित मार्ग दिखाना भी मेरा परम कर्तव्य है। तुम नवीन भगवान बनकर संसार पर अपना एकाधिकार स्थापित करना चाहते हो, मुझे अति उत्तम लगा तुम्हारा यह विचार, जो असुरों के पूर्व प्रयासों से अधिक श्रेष्ठ है और तुम इसमें सफलता प्राप्त कर सकते हो। इसलिए आज तुम्हारा गुरु होने के नाते मैंने तुम्हें दो अत्यंत महत्वपूर्ण सीख दिए हैं। वो स्त्री जो अंततः तुम्हारे पतन का कारण बनेगी, उससे सावधान रहने की मेरी प्रथम सीख तो तुमने अनसुना कर दिया। आप कितने भी प्रयास कर लें असुर गुरु, किंतु मेरे प्रिय बल श्रेष्ठ मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। किंतु मेरी दूसरी चेतावनी सदा स्मरण रखना जलंधर, नवीन भगवान का पद प्राप्त करने के पश्चात कभी भी महादेव या कैलाश के निकट मत जाना, अन्यथा तुम्हारी मृत्यु आलिंगन करेगी तुम्हारा। महादेव के समक्ष आए तो उनके हाथों से तुम्हारा अंत होगा। मुझे ज्ञात है तुम अपनी पत्नी का त्याग नहीं करोगे, किंतु वचन दो मुझे, मेरी दूसरी चेतावनी का तुम सदा ध्यान रखोगे। वचन दो मुझे, वचन दो मुझे, वचन दो मुझे। उचित है असुर गुरु, वृंदा का त्याग नहीं कर सकता मैं, किंतु मैं वचन देता हूं, नवीन शिव बनने के बाद मैं कैलाश के निकट भी नहीं जाऊंगा। जलंधर, यह दिव्य त्रिशूल धारण करो। जलंधर, महादेव के क्रोध से उत्पन्न होने के कारण उनके क्रोध की शक्ति है तुम में, और अब इस त्रिशूल के साथ तुम्हें अन्य मायावी शक्तियां और अष्ट सिद्धियां प्रदान करता हूं और तुम्हें शक्ति संपन्न करता हूं। जलंधर, अपने दोनों हथेलियों को मेरे सामने लाओ। महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकर्म, इशिता और वशिता प्रदान करता हूं।
आकाश में ऐसी दिव्य ऊर्जा तो तभी प्रस्तुत होती है जब कोई किसी को महान शक्तियाँ प्रदान करता है। ये दिव्य प्रकाश तो वहीं से उत्पन्न हो रहा है जहाँ गुरु शुक्राचार्य अपना तप कर रहे हैं। क्या वो किसी को विशेष शक्तियाँ दे रहे हैं? कहीं उनके द्वारा ये शक्तियाँ किसी कुपात्र को तो प्राप्त नहीं हो रही हैं? अब जाओ वत्स, नवीन कैलाश का निर्माण कर, स्वयं को संसार के नवीन शिव के रूप में स्थापित हो जाओ। सर्वश्रेष्ठ तो था मैं, अब इन शक्तियों को प्राप्त कर सर्वोच्च भी बन जाऊंगा मैं। धन्यवाद गुरुदेव। जाओ जलंधर, किंतु स्मरण रखना, कैलाश से सदैव दूर रहना। ये दूरी ही तुम्हें तुम्हारे अंत से दूर रखेगी। उचित है गुरुदेव, अब मैं विदा लेता हूं। जाओ जलंधर, संसार में असुर साम्राज्य स्थापित करो। नवीन कैलाश का स्वामी हूँ मैं, हूँ परम पिता परमेश्वर शिव शिव शिव। एक और कैलाश। शक्ति और बल का अहंकार मार्ग से भटका देता है, ये सर्वथा अनुचित ही होता है। समस्त संसार सर्वश्रेष्ठ चरंद्र के अधीन होगा। सर्वत्र गूंजेगा एक ही मंत्र, ओम चरंद्राय नमः, ओम चरंद्राय नमः। यत्र तत्र सर्वत्र मेरा ही आधिपत्य होगा। अब मेरे प्रिय बलश्रेष्ठ महान है, सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है, भगवान है आप।
अनंत काल से समस्त ब्रह्मांड में कैलाश तो एक ही है और एक ही हो सकता है, फिर ये एक अन्य कैलाश उत्पन्न करने का इतना बड़ा दुस्साहस किसने किया? कौन है जिसे अपने अंत की भी चिंता नहीं? अंत नहीं भैया, ये तो आरंभ है उस विपदा का जिसकी चेतावनी फूफा जी ब्रह्मदेव और ऋषि अगस्त्य ने दी थी। आश्चर्य है, स्वामी तो सर्वज्ञानी, भूत वर्तमान भविष्य कुछ भी उनसे छिपा नहीं, संकट समक्ष ये अवश्य ज्ञात होगा उन्हें, तब वो इतने शांत क्यों है? इस संकट के महासंकट बनने के पूर्व ही इसे नष्ट करने का उपाय करना चाहिए हमें, अन्यथा विलंब हो जाएगा। बधाई हो मेरे प्रिय बलश्रेष्ठ। वृंदा सर्वश्रेष्ठ तो आप थे ही, किंतु आज आपने अपनी इच्छा शक्ति से वो कर दिखाया जो आज के पूर्व कोई नहीं कर पाया। स्वयं को सर्वोच्च सिद्ध कर दिया आपने, देवों के देव महादेव के पद पर स्थापित हो गए हैं आप, और मैं देवी शक्ति नवीन भगवान जलंधर हूं मैं। समस्त संसार एक ही मंत्र जपेगा, ओम जलंधराय नमः। अवश्य प्रभु, ऐसा ही होगा। यहां से आरंभ होगा नए ईश्वर के साम्राज्य का। देवों के देव महादेव का कैलाश, इतना तुच्छ, इतना साधारण, स्वयं को ईश्वर कहता है, बताओ कहां रहता है? एक दलित भिक्षु के समान है। शिव का सिंहासन होगा शिला का, किंतु मैं सर्वश्रेष्ठ जलंधर इस तुच्छ शिला पर कदापि नहीं स्थित होऊंगा। श्रेष्ठतम सिंहासन होगा मेरा आसन, और जिसे अभी अपनी शक्ति से प्रस्तुत करूंगा मैं। अब ये सर्वश्रेष्ठ जलंधर के योग्य है सिंहासन। लच्छानी आदि ने स्वयं को ईश्वर कहलाने में कैसे ईश्वर हैं ये?
कैसे तुच्छ भवन में निवास करते हैं। क्या मेरा नवीन भगवान का अपने पत्नी के साथ इस प्रकार के जीर्ण शीर्ण भवन में निवास करना उचित है? नहीं। सर्वथा अनुचित है ये। नवीन भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर की पत्नी हूं मैं, स्वयं देवी हूं, और मेरा इस साधारण से भवन में प्रवेश करना भी मुझे शोभा नहीं देता। मैं इसमें कदापि नहीं रहूंगी। अवश्य मेरी प्रिय वृंदा, सत्य कहती हो तुम। सर्वश्रेष्ठ भगवान जलंधर अत्यंत भव्य विशाल भवन का निर्माण करेगा तुम्हारे लिए। शिव की पत्नी रहती होगी ऐसे जीर्ण शीर्ण भवन में, किंतु भगवान जलंधर की पत्नी रहेगी ऐसे भवन में जो संसार के समस्त वैभव से परिपूर्ण होगा। जलंधर प्रसन्न हुआ। संसार के नवीन ईश्वर का नवीन कैलाश है। देव, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, असुर, ब्रह्मा, विष्णु जब भी इसके निकट से जाएंगे तो यहाँ की चकाचौंध उन्हें विवश कर देगी मेरे समक्ष अपना शीर्ष झुकाने के लिए। वैसे भी भगवान का निवास तो भक्तों का मंदिर होता है। मेरे कैलाश की चमक धमक सभी को स्मरण कराएगी कि ये भगवान जलंधर का निवास है। अब यही एकमात्र मंदिर है उनका। जलंधर प्रसन्न हुआ। ये भगवान तो कंद मूल फलादि को अपना आहार करते होंगे, किंतु सर्वश्रेष्ठ भगवान जलंधर इस जलाशय में विचरण करने वाले स्वादिष्ट मीन को अपना भोजन बनाएगा। कहो प्रिय, आप तो सब उचित है ना? उचित क्यों नहीं होगा स्वामी, सब सर्वथा उचित है। आप शिव से भी अधिक शक्तिशाली हैं, और मैं पार्वती से भी अधिक सुंदर, और हमारा ये कैलाश सबसे अधिक सुंदर। पूर्ण रूप से स्थापित हो चुके हैं नवीन भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर। आइए प्रभु, अपना आसन ग्रहण कीजिए। अवश्य वृंदा। श्रेष्ठ भगवान हूं, जलंधर हूं मैं, जलंधर हूं मैं, जलंधर हूं।
भगवान जलंधर की जय हो, भगवान जलंधर की जय हो, भगवान जलंधर की जय हो। प्रिय, एक कार्य और शेष है। मेरे नाम की जय जयकार सर्वत्र गूंजना शेष है। ओम जलंधराय नमः, ओम जलंधराय नमः, ओम जलंधराय नमः। प्रिय, इसके लिए तो मुझे सभी लोगों की यात्रा करनी चाहिए, देवताओं को भी अपना परिचय देना चाहिए। नहीं मेरे प्रिय बलश्रेष्ठ, ऐसा करना आपको शोभा नहीं देता। क्या शिव स्वयं अन्य लोगों की यात्रा कर सभी को अपना परिचय देते हैं? देवताओं को स्वयं आना होगा यहां। तुम्हारा सुझाव उचित है, किंतु ये सभी अभी भी पूर्व के समान शिवी के पास गए तो उन्हें कैसे ज्ञात होगा कि मैं कौन हूं? ये कौन बताएगा उन्हें? ज्ञात होगा उन्हें प्रभु, अवश्य होगा, मेरा विश्वास कीजिए। अभी तो वो आपके इस नवीन कौतुक पर विचार कर रहे होंगे, और उनका यही कौतूहल उन्हें आपके पास, नवीन शिव के पास, नवीन भगवान के पास ले आएगा। कौतुक से कौतूहल तो अवश्य उत्पन्न किया है मैंने, नवीन भगवान जो स्थापित हुआ हूं मैं। मेरे प्रिय बलश्रेष्ठ के समक्ष नतमस्तक होने देवताओं को आना ही होगा यहाँ। आनंद आएगा जब सभी देवता मेरा नमन, मेरा अभिवादन करने के लिए विवश हो जाएंगे। कैलाश का ये प्रतिरूप बाहर से तो उसके समान ही है, किंतु भीतर ऐसी भड़कीली चमक, आश्चर्य है। भक्ति और शक्ति के निवास का प्रतीक है कैलाश। विलासिता का कोई स्थान नहीं है कैलाश की पावन भूमि में। अब तो ये घटना और विचित्र रूप ले रही है। इतने विभत्स कैलाश का निर्माण कौन कर सकता है? इस घटना ने तो मुझे चिंता में डाल दिया है। इतना तो साहस, कैलाश के समक्ष उसके प्रतिरूप का निर्माण कर लिया है किसी ने। कैलाश एक दूसरे के समक्ष? असंभव, ये हो क्या रहा? इंद्रदेव, ये जो हो रहा है ये उचित नहीं है। हमें यथाशीघ्र वहां जाकर इसका कारण ज्ञात करना चाहिए। सूर्यदेव उचित कह रहे हैं देवराज, मुझे किसी बड़े अनिष्ट की आशंका हो रही है। हाँ देवराज, हमें अति शीघ्र वहां जाना चाहिए। वास्तविक कैलाश से पूर्णतः भिन्न विचित्र है ये कैलाश, किंतु इस दूसरे नवीन कैलाश के पीछे अंततः रहस्य क्या है ये मुझे ज्ञात करना ही होगा। मैं भीतर जाकर देखता हूं ये क्या है और किसने उत्पन्न किया है इसे। रुकिए इंद्रदेव, इसके विषय में हमें कुछ भी ज्ञात नहीं। कहीं अंदर प्रवेश करके आप पर कोई संकट ना आ जाए। उचित है सूर्यदेव, किंतु यहां इतना सन्नाटा क्यों? प्रतीत होता है जैसे भीतर कोई है ही नहीं। कदाचित हमें महादेव से ही जाकर पूछ लेना चाहिए, क्या पता किसी कारणवश उन्होंने ही इस नवीन कैलाश का निर्माण किया हो। Thank you.
अचानक ही हलचल कैसी? ये तो स्वयं महादेव। हाँ इंद्रदेव, हमें उनके समक्ष जाना चाहिए। अचंभे की बात है, देखने में तो ये साक्षात महादेव प्रतीत हो रहे हैं, किंतु ये उनके साथ कौन है? कदाचित ये माता पार्वती तो नहीं? किंतु महादेव इतने दिखावे और आडंबर के साथ? नहीं नहीं, ये असंभव है। इंद्रदेव, यहां कुछ तो अनुचित हो रहा है। महादेवराज, महादेव की सरलता तो विख्यात है। मृत पशु चर्म जिनके वस्त्र हैं, जो अपने देह पर भस्म धारण करते हैं, जिनके गले की शोभा भुजगेंद्र सर्प है, जिनके पास सब कुछ है, किंतु वे उससे विरक्त होकर एक तपस्वी की भांति रहते हैं, वो भला ऐसा वैभव और ये बहुमूल्य आभूषण क्यों स्वीकार करेंगे, जो मेरी नगरी में भी नहीं है। सूर्यदेव सत्य कहते हैं, कुछ तो अत्यंत अनुचित घटित हो रहा है यहां। यह विषय तो मेरी भी समझ से परे है। महादेव एक नवीन कैलाश की रचना क्यों करेंगे? हां, और कुबेर देव भी उचित कह रहे थे, महादेव की सरलता के विपरीत है यह आडंबर। अर्थात निश्चित रूप से ये महादेव नहीं है। देवगण, हमें प्रस्थान करना चाहिए। देवताओं, अपने भगवान के दर्शन किए बिना कहाँ जा रहे हो तुम? ये महादेव का स्वर तो कदापि नहीं। इतना कठोर स्वर महादेव का? नहीं नहीं, असंभव। किंतु महादेव नहीं तो कौन है ये जो उनके समान दिखाई देता है? कौन है ये और स्वयं को भगवान पुकारने का दुस्साहस कैसे कर रहा है?
और ये हमें आशीर्वाद क्यों दे रहा है? मैं हूं जलंधर, तुम सबका वास्तविक भगवान, तुम सबका वास्तविक भगवान, तुम सबका वास्तविक भगवान। सत्य का आवरण क्षणिक देर के लिए तो भ्रमित कर सकता है, किंतु उसका सत्य उजागर हो ही जाता है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।